जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है और बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में हो, धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, व्यापार या नौकरी से संबंधित हो, शिक्षा में परेशानी हो, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, या फिर आपको संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो, गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की आराधना करने से परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि धन संपदा की वृद्धि होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बृहस्पति देव की पूजा के लिए भी और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए, इस बारे में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है कि व्रत में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या कुंवारी कन्याएं बाल धो सकती हैं और गुरुवार के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो भूल से भी आज नहीं खरीदनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी गुरुवार के व्रत से संबंधित और गुरुवार के दिन से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा भी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कि गुरुवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें कौन सी चीज खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज भूल से भी खरीदनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि खरीदना क्या चाहिए आज के दिन। देखिए, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है और किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन अगर आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, कोई वस्त्र इत्यादि खरीदते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और हाँ, अगर आप वस्त्र खरीदते हैं, विशेषकर पीले रंग के वस्त्र खरीदते हैं तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, गुरु का कारक माना जाता है। तो अगर आप पीले रंग के वस्त्र खरीद कर घर लाते हैं तो इससे गुरु का प्रभाव आपके घर में बढ़ता है, मतलब गुरु की वृद्धि होती है तो जीवन में शुभता की वृद्धि होती है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं अगर आप गुरु को मजबूत करना प्रारंभ करते हैं तो इसलिए अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और हाँ, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु होते हैं इनको समर्पित होता है। तो आज के दिन ज्ञान से जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे कि अगर आप कॉपी खरीदना चाहते हैं, किताबें खरीदना चाहते हैं, मतलब बच्चों की नोटबुक्स खरीदना चाहते हैं या कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे कि स्टेशनरी का सामान, ये चीजें आज के दिन खरीदने से ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि गुरु मजबूत होता है तो आपका या आपके बच्चों का जीवन सुखमय होता है। और वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गुरुवार के दिन भी आप ये चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल और गुरु को मित्र माना गया है, इसलिए इनसे संबंधित चीजें भी आज के दिन खरीदी जा सकती हैं। गुरुवार के दिन पीले फल खरीदना, पीली मिठाइयाँ खरीदना और चने की दाल इत्यादि खरीदना भी शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन सी चीजें हैं जो भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, गुरुवार के दिन नुकीली चीजें, धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची या फिर लोहे की कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन सफाई इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए आज के दिन साफ सफाई से संबंधित चीजें भी नहीं खरीदी जाती हैं, जैसे कि साबुन, वॉशिंग पाउडर, ये सब चीजें आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ये सब चीजें अगर हम खरीद के लाते हैं, जैसे कि नुकीली धारदार चीजें या फिर सफाई से संबंधित चीजें, तो इससे क्या होता है कि जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है,
क्योंकि बृहस्पति कमजोर हो जाता है और जब बृहस्पति कमजोर हो जाएगा तो जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो जाता है। हर प्रकार के दुख का आगमन आपके जीवन में हो जाता है अगर कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे आपके इन क्रियाकलापों के द्वारा या फिर जन्मजात भी कई बार जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं, तो अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो बृहस्पति शुभ फल देने लग जाते हैं। और अब जानते हैं कि अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, गुरुवार का व्रत फलाहार के द्वारा किया जाता है, मतलब व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट्स आप खाकर व्रत कर सकते हैं, जैसे कि अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज, सेब, संतरे, ये सभी चीजें खाई जा सकती हैं। और बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुवार के व्रत में क्या हम संतरे खा सकते हैं। देखिए, संतरे खट्टे होते हैं, इसलिए बहुत से लोगों के प्रश्न इसी विषय पर होते हैं कि क्या हम खट्टी चीजें खा सकते हैं। तो देखिए, गुरुवार का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें आप कोई भी फल खा सकते हैं। संतोषी माता का जो व्रत होता है जिसे शुक्रवार के दिन किया जाता है, उसमें एक नियम होता है जिसमें कि खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो वो सिर्फ संतोषी माता के व्रत में ही किया जाता है। अगर आप शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं तब आप खट्टी चीजें नहीं खा सकते हैं। बाकी के जो भी व्रत होते हैं सब में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, चाहे संतरे हो या फिर आप अंगूर खाते हो, पपीता लेते हैं या फिर सेब लेते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं। और इसके अलावा गुरुवार के व्रत में आप टमाटर, खीरा, गाजर, शकरकंद, ये सभी चीजें खा सकते हैं। देखिए, अनाज नहीं खाना चाहिए व्रत में, मतलब अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं, आटा, चावल, ये सब चीजें नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई सा भी फल आप खा सकते हैं। हाँ, नमक का सेवन गुरुवार के व्रत में नहीं किया जाता है, मतलब सेंधा नमक भी गुरुवार के व्रत में नहीं खाना चाहिए। बाकी आप अरारोट का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो भी हम व्रत में खाते हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खा सकते हैं। मीठा हलवा बनाकर, मीठी पूड़ियां बनाकर आप इनको खा सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए आलू भी आप खा सकते हैं, उबले आलू भी खा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है, दही के साथ, दूध के साथ या फिर गुड़ के साथ आप आलू खा सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या गुरुवार के व्रत में हम दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर, मक्खन, मतलब दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु आप खा सकते हैं, ये सभी चीजें फलाहारी में आती हैं। और हाँ, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, ये सभी चीजें आप गुरुवार के व्रत में या किसी भी व्रत में खा सकते हैं। और इसी से संबंधित आपका अगला प्रश्न आता है कि व्रत का खाना बनाते समय हम कौन सा मसाला प्रयोग कर सकते हैं और किस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं, कोई भी व्रत फूड लेना चाहते हैं, जैसे कि कुट्टू सिंघाड़े का आटा अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर शमा के चावल खाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप घी में उन्हें भून सकते हैं, मतलब घी में बना सकते हैं आप शुद्ध घी में, या फिर मूंगफली के तेल में या फिर सूरजमुखी के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। और हाँ, मसालों में आप साबुत जीरा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। मिर्च भी ले सकते हैं आप, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जो भी आप खाना चाहते हैं, लेकिन नमक या अमचूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गर्म मसाले का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत करते हैं तो इसमें शास्त्रों में वर्जित माना गया है किसी भी गर्म मसाले का प्रयोग। और इसका कारण भी होता है, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो ऐसे में तामसिक चीजों का, गर्म चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए गर्म मसालों का प्रयोग वर्जित माना गया है। लेकिन आप जीरे का तड़का लगा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम जीरे का पानी पी सकते हैं, मतलब व्रत वाले दिन जीरे का पानी हम पीना चाहते हैं उबालकर, तो क्या पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखिए, गुरुवार के व्रत में दिन भर फलाहार पर ही रहा जाता है, मतलब फल इत्यादि खाकर ही आप व्रत धारण करते हैं। शाम के समय एक ही बार अनाज का सेवन किया जाता है, जब आप व्रत खोलते हैं शाम की पूजा करने के बाद, तो उसके बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं, बेसन या फिर आटे से बनी हुई कोई भी वस्तु आप खा सकते हैं, चाहे हलवा बना लीजिए, पूड़ियां बना लीजिए, दूध रोटी खा सकते हैं, गुड़ रोटी खा सकते हैं, किसी भी प्रकार से मीठे भोजन का ही सेवन किया जाता है। आज के दिन बिल्कुल भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है। और कुछ जरूरी चीजें जिनका ध्यान आपको गुरुवार का व्रत करते समय रखना चाहिए। देखिए, गुरुवार का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आज के दिन आपको सुबह जब स्नान करते हैं तो हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते समय अपने मस्तक पर भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, और केले के पौधे में भी हल्दी का तिलक कीजिए, हल्दी मिश्रित जल केले की जड़ में अर्पित कीजिए, तुलसी में भी आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए, और घर में भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो उसमें भी आप हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। मतलब आज के दिन आपको हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे कि गुरु बृहस्पति मजबूत हो जाए। और हाँ, केले के पौधे की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है, तो सुबह और शाम दोनों समय केले की पूजा कर सकते हैं, मतलब सुबह जल दे सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं,
लेकिन शाम के समय संध्या काल के बाद सिर्फ दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें चुटकी भर हल्दी अवश्य डाल दीजिए। और इसी प्रकार से घर के मंदिर में जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो तुलसी के पौधे के पास जो दीपक है उसमें भी थोड़ी सी हल्दी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन संध्या काल में दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इन सभी कार्यों से क्या होता है, घर में शुभता आती है। किसी भी प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में जुड़ी हुई है बृहस्पति ग्रह से संबंधित, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है, जीवन सुखमय बनता है। और हाँ, जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दीजिए। ये सभी कार्य तो आप करते ही होंगे अगर आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं तो ये सभी बातें जिनका ध्यान आपको गुरुवार के दिन रखना चाहिए। आप व्रत करते हैं तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत नहीं करते हैं तब भी आपके लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ और भी जरूरी बातें जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए और घर की विशेष रूप से डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई आज के दिन घर में नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या आज के दिन हम झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, पोछा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये सभी कार्य आप कर सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, नॉर्मली पोछा भी लगा सकते हैं, मतलब पोछा लगाने में भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आपको तब होगी जब आप पूरी तरह से डीप क्लीनिंग करेंगे, मतलब बहुत अच्छी तरह से कोने कोने की सफाई करके और झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, मतलब धुलाई करने लग जाते हैं घर की, तब आपके जीवन में गुरु से संबंधित परेशानी आती है। नॉर्मली आप रूटीन में पोछा लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए विशेष रूप से इसलिए गुरुवार के दिन पोछा लगाना मना किया जाता है क्योंकि जब हम पोछा लगाते हैं तो जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिससे कि व्रत करने वाले के द्वारा उन जीवों की हत्या हो जाती है। अनजाने में या जाने में किसी भी प्रकार से आपके द्वारा अगर जीवों की हत्या होती है तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, मतलब गुरुवार के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता बल्कि आप पाप के दोषी बन जाते हैं। इसलिए आज विशेष रूप से जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें पोछा लगाने से बचना चाहिए। और हाँ, आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन घर से कबाड़ नहीं निकालना चाहिए, मतलब घर में आप साफ सफाई करके और कूड़ा कबाड़ा निकालकर बाहर फेंकते हैं वो आज मत कीजिए, ये शनिवार के दिन किया जाता है। तो गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा साफ सफाई और कबाड़ निकालने से बचना चाहिए। और एक बहुत जरूरी प्रश्न जो हमेशा आता है कि हम कुंवारी लड़कियां हैं क्या हम बाल धो सकते हैं गुरुवार के दिन। देखिए, बहुत से स्थानों पर इस प्रकार की परंपरा है, मतलब कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर कुंवारी लड़कियां बाल धोती हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार से परंपरा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, मतलब बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार की परंपरा है बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए, विशेषकर जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें गुरुवार के दिन भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए। बालों के ऊपर से यानी कि सिर के ऊपर से स्नान भी नहीं करना चाहिए, सिर पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए। ये नियम महिलाओं के लिए है, अगर पुरुष व्रत धारण करते हैं तो वो अपने बाल धो सकते हैं, बाल से स्नान कर सकते हैं। और हाँ, कुंवारी कन्याएं जो कि व्रत धारण करती हैं, विवाह के लिए व्रत धारण करती हैं, तो बाल न धोकर अगर आप हल्दी मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो इससे भी आपका विवाह शीघ्र हो जाता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और आगे चलकर आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ बाल धोया जाता है गुरुवार के दिन तो बिल्कुल आप धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, गुरुवार व्रत से संबंधित कई वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित थी, जो भी आप लोगों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आते हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।